वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह की गुड मॉर्निंग होती गई है। जय माता दी। सभी लोग जय माता दी बोलिए। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया सुबह की अर्ली मॉर्निंग। आज बच्चों का है स्कूल, और कल मैंने क्या किया था मैं बता रही हूँ कि मैंने कल बच्चों का यूनिफॉर्म तो धुला बट प्रेस नहीं किया था आयरन। तो फिर सुबह जल्दी जल्दी में मुझे ये सब भी करना पड़ा। और यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे थे, आज तीनों बच्चे स्कूल गए, तो यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे बिखेर दिए थे कि लग रहा था बाप रे कहाँ से कूड़ा सा बटोर के आ गया है। तो यहाँ देखिए पूरे बिस्तर भर कपड़ा भी। मैं जब भोजन बना ली हूँ तो फिर मैं रूम में आई हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लंच बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें देने के बाद मैं रूम में आई हूँ। तो यहाँ पे कंबल कपड़े सारे फैले हुए थे, क्योंकि रात को जब एसी चलती है तो कंबल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसीलिए यहाँ पे अब चद्दर उद्दर मैं सही कर रही हूँ, सब झाड़ उड़ के सही करूँगी, उसके बाद मेरा स्टार्ट होगा जो डेली का रूटीन। तो यहाँ पे सारा चीज़ ऐसे फैला हुआ था, तो मैं सोची चलो पहले बिस्तर समेट लेती हूँ, बिस्तर सही कर लेती हूँ और फिर रूम को, क्योंकि मुझे दोनों रूम, या मेरा तो कम्बल फोल्ड हो गया था, बस बच्चों का भी कम्बल ऐसे ही पड़ा था, तो उसे भी, क्योंकि नहीं तो डेली बेटे बच्चे हटा देती हैं सारी। बट आज वो लोग भी क्या हुआ ना कि बच्चे जब आदत इधर भी थोड़ा सा हट गया था तो आराम से सोने वाली मेरी भी आदत गंदी हो गई थी। लेकिन नहीं, तब भी अगर मुझे ये मालूम है कि कोई जाने वाला है या किसी को जाना है, कुछ चाहिए नाश्ता वगैरह जो भी, कहीं भी आना जाना या बच्चों के स्कूल जाना हो, तो मैं अपने समय से पहले ही उठ के तैयार हो जाती हूँ कि अगले को हमारी वजह से कहीं दिक्कत ना हो, लेट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मैं पहले एक्टिव रहती हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा नेचर बाई नेचर ही है कि मैं उस चीज़ को एक्टिव, कि मुझे कहने से पहले मैं उस काम को करके रख दूँ कि अगला मुझे कह ना सके। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कहने के वाले की भी ज़रूरत, आप कितना भी करिए ना, क्योंकि देखिए लोगों का मुंह है तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती रहती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे मैंने चली अपनी जो हमारी रूटीन होती है, आज हमारी रूटीन थोड़ा आप लोग से साथ अलग शेयर हो रहा, पूरी घर की क्लीनिंग, होम क्लीनिंग कैसे चला वो भी दिखा रही हूँ आप लोग को। आज मुझे ही झाड़ू पोछा सब करना है, क्योंकि बड़ी बेटी भी स्कूल गई, वैसे वो थी दो इधर भी तो वो कर दे रही थी। तो यहाँ मैं जब करती हूँ ना, तो मैं आज मैं ये सोच के पूरा थी कि आज मुझे करना, कल ही मैं मूड बना ली थी कि मुझे ही पोछा मारना है, तो मैं चलूँगी इसको क्या करूँगी, हाथ से बैठ के पोछा मारूँगी। क्योंकि उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो किनारे किनारे के सब डस्ट हैं मोप से मारने में नहीं साफ़ होते हैं, उसे हम अच्छे, और बच्चे हैं, बच्चे अगर करते हैं तो कोई काम थोड़ी लापरवाही कर भी देते हैं। तो इसीलिए मैं सोची थी मैं अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बैठ के पोछा मारूँगी। तो एक इसमें दो फायदे हैं पोछा मारने के। सबसे बड़ी फायदे आपको ये समझ में आता है कि घर तो क्लीन हो जाएगा किनारे कोने में जहाँ भी कहीं होगा, और दूसरा फ़ायदा क्या है, जो हमारी पेट है हमारी टमी है थोड़ा अंदर हो जाएगा अगर बैठ के पोछा डेली मार दे तो। बट डेली नहीं संभव हो पाता है, क्योंकि लेट होता है, कुछ काम ऐसा आ जाता है तो नहीं पता। लेकिन कोशिश मैं अब से यही करूँगी कि मैं बैठ के ही पोछा मारूँ, हाथों से अपने मोप से ना मारूँ। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा हमारे शरीर को अच्छा लगेगा, थोड़ी सी मेरी शरीर फिटनेस में आ जाएगी, जो फैली फैली अजीब सी लगती है कभी कभी, और मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, नहीं खाते हैं उसके बावजूद भी ऐसा होता है, खाते हैं तो बात है, अगर खाते रहते तो बोलते हाँ मैंने इतना खाया, इतना सब हो गया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता। थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे और डाउन होना चाहिए, अब आप लोग बताएंगे या नहीं, डाउन तो होना ही चाहिए, सच में मुझे डाउन होना चाहिए, जो हमारी टमी है जितनी ज़्यादा ये निकल रही रहती है अजीब सी तरीके से, तो शरीर की फिटनेस उतनी अच्छी नहीं आती। और आपको अगर कोई भी कपड़े पहने हो, कोई भी चीज़ अगर अच्छे लगने हो, तो आपको सबसे पहले मेंटेन है आपकी शरीर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है, कंफर्टेबल देता है, जिससे आपकी लुकिंग सो ब्यूटीफुल लगती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा अपने पर्सनालिटी को हमेशा सही रखना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता, कोशिश तो करती हूँ। तो चलिए झाड़ू वगैरह तो लग गया। अब यहाँ पे आज ये वाला जो बाल्टी है ना, ये कूड़े वाला एक गीले वाला था एक, लेकिन जो गीले एक कूड़ा वाला दो इसके साथ में एक ये है एक और है, तो उसी में बस एक ही मैं कूड़ा रखती हूँ, ये वाला ऐसे ही साफ पड़ा रखा था। तो मैं सोची चलो इसी में आज लगे हाथे फिनाइल वगैरह डाल के, थोड़े से मच्छर उच्छर ज़्यादा लग रहे, तो आप इसमें फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा आज लगा हूँ, फटाफट बैठ के हाथों से और थोड़ी मेहनत के साथ करूँगी काम। तो इस तरीके से हमारे आज मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर हुआ सारी ब्लॉग में। और एक इंडियन हाउसवाइफ जो होती है ना, अपने वर्क अपने काम, और मुझे आज बहुत भी बहुत काम है, हद से ज़्यादा काम है, क्योंकि
अभी ये सब करने बाद मम्मी को लेके जाना था, फिर उसके बाद आना था, फिर बाबू को लेने जाना था 12:30 बजे, फिर जाना है 1:30 बजे छोटी बेटी को लेने, और घर का पूरा काम एक साथ में सोचे कैसे सारे काम कर लेती हूँ बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के सारे काम। सुबह अर्ली मॉर्निंग से उठने के बाद ऐसे ही हमारा रूटीन जो दिनचर्या होता है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये भी नहीं रहते, तो ऐसे ही मुझे करना ही रहता है। और मैं बिना थके बिना हारे अपने काम कंटिन्यू करती हूँ। थक तो जाती, थोड़ा सा मन लगता है, लेकिन हाँ नहीं ये लगता है ना कि जितना देर मैं बैठूँगी उतना ही हमारा लेट हो जाएगा काम, उतना ही स्लो चलेगा। तो अगर मैं फर्स्ट जल्दी जल्दी करूँगी तो थोड़ा आसान मेरे ही लिए होगा कि मुझे थोड़ा सा लेटने का आराम मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। बट इसी कोशिश में तो यहाँ मैं बैठ के पोछा कर रही हूँ ना, पूरा रगड़ रगड़ के पोछा मार रही थी। आज होम क्लीनिंग हो ही जा रहा है, ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, साड़ी ब्लॉग के साथ आज वीडियो हमारा जो शेयर होगा आप लोग के साथ काफ़ी अच्छी लुकिंग लग रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक ना, एक लाइक जो आप लोग देते हैं ना, इतना अच्छा मोटिवेशन लगता है, इतना खुशी मिलती है कि लाइक मिला। बट आप लोग लाइक देने में कंजूसी कर दे रहे हैं, लाइक नहीं दे रहे हैं, तो भर भर के आप लोग लाइक दीजिए, कमेंट करिए, जिससे मैं कुछ समझ सकूँ कि हाँ हमारी वीडियो का आप लोग को कैसे पसंद है कैसे नहीं पसंद है। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फटाफट फटाफट बढ़ा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो लेंथ ही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोछा कोने कोने में हाथ डाल डाल के ऐसे पोछा मार रही थी, मैं तो बन गई काम वाली बाही ऐसा लग रहा था। लेकिन नहीं, एक बात बताऊँ, मुझे ये नहीं लगता, कुछ लोग सोचते भी होंगे कि हाँ मुझे काम करने में शर्म आती है, ये सब दिखाने में शर्म आती है, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, इससे हमारी स्टैंडर्डता खोती है। नहीं, आपका स्टैंडर्डता जो होती है ना बिल्कुल नहीं खोती है, क्योंकि हम अपने घर के क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, इसलिए अगर वही नहीं होगा तो घर में कूड़ा करकट फिर बीमारी चार ठोर हो गए ऐसे पकड़ते रहते हो, लेकिन क्लीनिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं उधर सब हो गया था, मैं आ गई थी आगे रूम वाले में पोछा मारने साफ़ करने, और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ये डस्टबिन लेके जा रही हूँ, इससे क्या ना थोड़ा भी जब भी गंदा हो रहा तो मैं ऐसे पोछे को धुल ले रही हूँ, ऐसे बास्केट भी जहाँ जैसे पोछा मारती हूँ मोप से तो उसको भी लेके ही चलती हूँ, जिससे क्या होता है ना जो भी डस्ट होते हैं आप धुल देते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ भी पोछा मारूँगी, उसके बाद लाबी में, और इतने ज़्यादा बाल ना, इतने ज़्यादा बाल निकल रहा था ना, हद से ज़्यादा, इतना गुस्सा आ रहा था जब बाल निकल रहा था, लग रहा था कि नहीं धुल ही दे तो ही अच्छा है, पोछा ना मारे। लेकिन मेन कारण मुझे जो था कोने कोने का इधर उधर का जो डस्ट था वो नहीं छूटा था, उसी को साफ़ करने के चक्कर में मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इंजॉय कीजिए। चलिए अब यहाँ किनारे किनारे जो गेट रोड के अगल बगल वो सब था, वो सब सारे डस्ट में थोड़ा थोड़ा करके, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया आज सफाई करने में पोछा लगाने में, क्योंकि जब आप लोग बता देना कि देखिए, और बाल इतने ज़्यादा घर भरे पूरे घर में गिरे हुए बच्चों के ना, तो काफ़ी ज़्यादा दोनों बेटियों के बाल झड़े थे। वैसे मैं तो कम झाड़ती हूँ, वही सब झाड़ती हैं, तो वैसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा कम बाल है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा बस करती हूँ ना, ऐसे क्लचअप पकड़ती हूँ, ऐसे लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं रगड़ रगड़ के इतना पोछा, मम्मी के अरे रहने भी दो ना, तो इस तरीके से मेरा हुआ काम कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। वे की गुड मॉर्निंग हो गई है, और इस समय बज रहे हैं, फैन भी चला है, एसी भी दोनों चलाई हूँ, पसीना पसीना हो गई पोछा मारते मारते, क्योंकि आज मैं सोची थी ना कि थोड़ा सा जैसे होता मोप से मारने से ना किनारे किनारे का नहीं लग पाता है, तो मुझे लगा कि आज बैठ के आराम से थोड़ा अच्छे से मार दूँ, लेकिन आज मुझे भागम भाग थी। उसके बाद भी मैंने किया, इतनी ज़्यादा गर्मी पसीना हो रहा, तो चलिए पहले करते काम, उसके बाद में तो थोड़ा सा हवा ले लूँ। एसी का भी, एसी भी चालू की हूँ, और फैन भी दोनों चालू करके तब हवा ले रही हूँ कि थोड़ा सा राहत मिल जाए।
और ये लॉबी में जब मैं आ गई थी तो लॉबी में मैंने क्या इतने ज़्यादा बाल थे ना गंदे गंदे, जिससे तो मुझे थक गई थी इस तरीके से बाल बीनते बीनते। तो मैं सोची चलो एक साथ लगे धुल लेती हूँ, तो लॉबी ऐसे फटाक से पानी गिरा के मैं धुल ले रही हूँ, इससे ना हो जाएगा जल्दी से मेरा काम, क्योंकि मुझे निकलना भी है मम्मी को लेके 11 बजे। तो यहाँ पे सारे काम मैं 10:30 बजे तक कंप्लीट कर ली थी, हाथों से बैठ के पोछा मारने वाला काम, झाड़ू, खाना, किचन बस थोड़ा सा था तो किचन भी मैंने उसे क्लीन कर ली। बट किचन की ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, तो इस तरीके से हमारा सारी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर हुआ वीडियो। गाइस फाइनली अभी मेरा सारा काम झाड़ू पोछा सारा क्लीनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ रेडी होने, तैयार होने, और मुझे निकलना है मम्मी को लेके डॉक्टर के यहाँ, फिर बच्चों को लेने जाना है, तो कई काम है इसलिए मैं फटाफट अभी करती हूँ। आज हो सकता है मेरा वीडियो लेट जाए आप लोग के साथ, कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर करिएगा, लेकिन वीडियो को सपोर्ट शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। और मैं फटाफट हो जाती हूँ रेडी अभी, क्योंकि अभी कपड़े को प्रेस करना है और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो एडिटिंग होगा, अपलोड होगा, हो सकता है लेट जाए, जल्दी भी जाएगा, जैसा भी जाएगा आप लोगों के साथ जाएगा ही। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।